हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक ऐड दिखा मीवी का, जहाँ पे उनकी ज़बरदस्त सेल चल रही है, बाय वन गेट वन। तो मुझे लगा कि उन्हें ट्राई करते हैं। तो ये रहा मेरा है वो बॉक्स जिसमें है दो प्रोडक्ट, एक पेक फ्री। तो मुझे ये दोनों प्रोडक्ट पड़े हैं 1400 के। अगर आप इसे अलग अलग परचेस करेंगे तो इसके प्राइस बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन अभी मीवी पे सेल चल रही है, इसके वजह से ये मुझे 1+1 का ऑफर मिला है। तो चलिए जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये रहे हमारे दो प्रोडक्ट, एक है आपका मीवी डुओ पॉड्स F50 और एक ये है मीवी का स्पीकर। मीवी आपको पता ही होगा, एक कंपनी है जो ऑडियो के रिलेटेड और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। तो हमने सोचा कि ना मीवी के प्रोडक्ट्स ट्राई करें। मैं ये अपने चैनल पे पहली बार इसके अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो मीवी का ये स्पीकर है और ये उसके एयरपॉड्स है, सॉरी इनका नाम है डुओ पॉड्स। तो मीवी डुओ पॉड्स F50 इसका नाम है, ट्रू वायरलेस ईयरफोन। तो हम इसकी कनेक्टिविटी और बाकी सारी चीज़ें चेक करेंगे और इसकी साउंड क्वालिटी चेक करेंगे, इसका क्या फीचर्स है, क्या सब है, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने डुओ पॉड से। इसमें देखते हैं इसके बॉक्स पे कंटेंट क्या क्या है। तो ऊपर एक स्टिकर है, वो हम निकालते हैं। तो इस तरीके की कुछ इनकी पैकेजिंग है। तो सबसे पहले आपको मिलता है एक यूज़र गाइड, कैसे इसको यूज़ करना है। उसके बाद आपको मिलता है वेलकम टू द क्रू मीवी का एक कार्ड, और यहाँ पे है वो डुओ पॉड। तो ये प्लास्टिक के अंदर है। सो इस तरीके से ये कुछ है, काफी ग्लॉसी फिनिश है, ब्लैक कलर। और यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट है, मीवी का ब्रांडिंग है, ऊपर आपको चार्जिंग पोर्ट है और ये ऐसे ओपन हो जाते हैं। तो हिंज जो है इसकी काफ़ी ठीक लग रही है मैं कहूँगा। और ये आपके अंदर डुओ पॉड्स, इनको भी हम टेस्ट करेंगे ऑडियो क्वालिटी फ़ोन से कनेक्ट करके। तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही है कि ये ग्लॉसी फिनिश है तो स्पेस स्क्रैचेस बहुत सारे आएंगे, तो बचा के रखिएगा। प्लस इसके अंदर आपको मिलने वाला है चार्जिंग केबल जो कि है टाइप सी। तो ये इस तरीके का एक चार्जिंग केबल आपको देखने मिल जाता है। तो चलिए इन सबको साइड में रखते हैं। बॉक्स में इसके बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 50 आवर्स का आपको प्ले टाइम मिलेगा विद केस, और अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप कम से कम 4-5 घंटे कंटिन्यूस यूज़ कर पाएंगे, और केस के साथ 50 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। इसके साथ साथ जो मीवी है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, जी हाँ, तो इनके प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया होते हैं और ये काफ़ी सस्ते भी हैं, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस में आते हैं। इसके साथ इसमें आपको HD स्टीरियो साउंड मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है एंड वन टच प्ले पॉज, तो इस पर टच कंट्रोल है जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को और अपने मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए इसे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनते हैं। तो इसे कनेक्ट करने के लिए आपको पॉड्स को केस से बाहर निकालना है, देन आपको मीवी डुओ पॉड्स F50 करके दिखेगा, कनेक्ट करना है। तो एक साउंड आएगा पैड करके, और यहाँ पर मैं इसका बैटरी देख सकता हूँ 90% है। तो फिट इसका काफ़ी कंफर्टेबल है, इट्स नॉट लाइक ये आपको चुभ रहा है ऐसा कुछ। तो फिटिंग वाइज ये अच्छे हैं, और ये आपके जैसे एप्पल एयरपॉड्स आते हैं फर्स्ट जनरेशन नॉर्मल एयरपॉड्स जो आते हैं, वही एक मॉडल है, इन ईयर वाले नहीं हैं ये। तो उसके हिसाब से ये काफ़ी कंफर्टेबल है, आप देख सकते हैं ये ऐसे हिलाने पर भी गिर नहीं रहे हैं। तो लेट्स हियर सम म्यूज़िक और फिर मैं आपको बताता हूँ इसका क्वालिटी कैसा है। तो इसमें ऐसे नॉइस कैंसलेशन ऐसा कुछ नहीं है, जो सिंपल एयरपॉड्स है,
आपको म्यूज़िक सुनना है, आपको कॉल्स अटेंड करने हैं, बाकी चीज़ें अटेंड करनी है, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है और प्राइस भी काफ़ी सस्ता है, 799। और ये हमने इससे 1+1 ऑफर में लिया है, तो मुझे 1400 के दोनों प्रोडक्ट पड़े हैं, यानी कि 700 ईच। तो उस हिसाब से प्राइस कंपैरिजन करेंगे तो ये एक बजट एयरपॉड्स है, जो बजट के हिसाब से देखा जाएगा तो इसकी साउंड क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नॉइज़ कैंसलेशन बाकी सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप एकदम बजट वाला समझ लीजिए, एकदम बजट वाला अगर आपको हेडफोन चाहिए तो ये भाई आपके लिए एकदम बेस्ट है, आप इसे बेझिझक परचेस कीजिए और यूज़ कीजिए। और इसकी बैटरी बैकअप जैसे मैंने बताया 50 आवर्स है, मेरे तरफ से ये प्रोडक्ट के लिए थम्स अप है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ जो है अपना ब्लूटूथ स्पीकर। तो ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मीवी का स्पीकर और इस पर देख सकते हैं आप टैगलाइन लिखी है पुश द लिमिट। तो लेट्स सी ये कितने लिमिट्स को पुश करता है, क्योंकि ये 5 वाट का स्पीकर है तो इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है वो चेक करते हैं। ये जो आता है ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है और ऐसे अगर आप दो स्पीकर लेंगे तो वो एक स्टीरियो स्पीकर का काम करेंगे, तो ये भी फीचर इसके अंदर है जो एक दूसरे से सिंक हो जाते हैं। तो लेट्स सी इसे ओपन करते हैं। तो इसमें भी आपको कार्ड मिलता है, बाय द वे आपको एक वारंटी कार्ड भी मिलता है, पिछले प्रोडक्ट के साथ उसमें मैंने आपको दिखाया नहीं, बट एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। इसमें उसे यूज़र गाइड है, देन ये है आपका स्पीकर 5 वाट का जो कि काफ़ी कूल दिख रहा है मुझे, कलर भी अच्छा है। इसके साथ आपको एक स्ट्रैप मिल जाती है और यहाँ पे है आपका इसको और एक बॉक्स के अंदर और एक चीज़ है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बॉक्स में आपको मिलते हैं दो और चीज़ें, ये है आपका माइक्रो यूएसबी केबल है, तो इसमें आपको माइक्रो यूएसबी मिलती है हेडफोन के साथ, आपको टाइप सी चार्जिंग का, फास्ट चार्जिंग का, बट इसमें आपको माइक्रो यूएसबी केबल मिल रहा है चार्जिंग के लिए, प्लस एक ऑडियो जैक है जिससे आप डायरेक्ट, अब तो 3.5 mm जैक तो मिल ही नहीं रहे हैं तो फिर पता नहीं इस केबल का क्या होगा। तो इसमें फिजिकल ओवरव्यू में आपको फ्रंट वाले स्पीकर है जो टॉप फायर स्पीकर है, यानी कि ऊपर की तरफ बजने वाले हैं, और यहाँ पे प्ले एंड पॉज का बटन है, ऑन ऑफ का बटन है, फिर आपको यहाँ पे एक स्ट्रैप मिल रही है, इसके साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग के लिए है और ये ऑडियो जैक के लिए जो मैंने दिखाया, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। बाकी इसमें ये वाटरप्रूफ ऐसा कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता स्पीकर है, तो बहुत ही सस्ता स्पीकर है। इसे ऑन करते हैं तो इसमें भी एक तो इसमें भी आपको एक ऑडियो मिला रिस्पॉन्स, तो इसे भी हम कनेक्ट करते हैं। तो पेयर न्यू डिवाइस मीवी प्ले करके आ गया है, तो इसमें भी सेम पेयर्ड करके इसने ऑप्शन दिया आपको। तो चलिए म्यूज़िक प्ले करते हैं इसके ऊपर, लेट्स सी कितना इसका आवाज़ है। कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक विल प्ले दिस म्यूज़िक, ओके। सो और ज़्यादा नहीं सुन सकते, सॉरी दोस्तों, कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये जो है बैश को लेकर काफ़ी एक्साइटेड लोग दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि बैश इसका काफ़ी अच्छा है और म्यूज़िक के हिसाब से ट्रेबल आपको थोड़ा कम ही मिलेगा, क्योंकि बैस पे इसने ज़्यादा फोकस किया है। तो जो इसकी 5 वॉट के हिसाब से आउटपुट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड क्लोज एनवायरनमेंट ऑब्वियसली अगर आप एक बंद एनवायरनमेंट में हैं तो आपको आउटपुट अच्छा ही मिलेगा और आवाज़ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा लाउड है।
उस हिसाब से ये भी मेरे ख्याल से प्राइस के हिसाब से वर्थ है। तो इस पे बैटरी बैकअप ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बट ये स्प्लैश प्रूफ है, यानी कि आप इसे पूरा पानी में डुबा नहीं सकते हैं ऑब्वियसली, एंड जस्ट स्प्लैश प्रूफ। तो मीवी के प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए, बट अब मैं इन्हें ट्राई करूँगा और आगे फ्यूचर में और भी प्रोडक्ट्स ट्राई करेंगे हम मीवी के, क्योंकि मीवी जो है एक मेड इन इंडिया कंपनी है और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है। और आप लोगों ने और भी यूट्यूबर्स को देखा रहेगा जो इनके जो इनके डुओ पॉट्स हमने चेक किए, वो काफ़ी लोग यूज़ भी कर रहे हैं, मे बी यूज़ कर रहे हैं या एडवर्टाइज कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट बहुत लोगों ने इसका किया भी है, क्योंकि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली डिवाइस है। आपने भुवन बाम को देखा रहेगा, उन्होंने भी इसका प्रमोशन किया था मुंबई करने के लिए, तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स लोगों ने इसका प्रमोशन किया हुआ है ऑलरेडी। एंड हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे आगे भी और आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी देंगे, बट ऐसे ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हम आपको हमारे चैनल पे दिखाते रहेंगे। और अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।